क्या दोस्तों आप लोग भी इसी तरह से परेशान है एड से रिलेटेड? आपको भी भाई रोजाना आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पे जो ऑटोमेटिकली एड मिल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि एड कहां से चल रहे हैं, कैसे इनको स्टॉप करना है। सो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी मोबाइल फोन के ऊपर भी आपको एड्स देखने को मिलते हैं, ऑटोमेटिकली एड आ जाते हैं जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज करते हो या कोई भी गेम्स खेलते हो या फोन स्क्रीन पे यूज करते हो, मोबाइल स्क्रीन चलाते हो ना अपनी, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली इसी तरह से आपको एड्स आते रहते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इन एड्स को आपको कैसे करना है 2023 में, चाहे आपके पास कोई सी भी कंपनी का डिवाइस हो, Realme, Oppo, Poco, आप बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना। अगर आप लोगों को भी ऐड से प्रॉब्लम हो रही है और आपको बहुत सारे ऐड देखने को मिलते हैं ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे, मेरे भाई आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम मिल रही है, जब भी आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को ऑन करते हो या ऑफ करते हो तो आपकी स्क्रीन पे भाई आपको ऑटोमेटिकली ऐड रन होते हुए मिल जाते हैं, यानी कि एड्स चलते हुए मिलते हैं। तो आप इन एड्स से परेशान हो, ये एड्स आपके कट भी नहीं होते। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एड्स को ऑफ करने अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2023 की सबसे बेस्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कोई भी एड्स को ऑफ कर पाओगे, चाहे वो एप्लीकेशन के ऐड हो चाहे मोबाइल फोन पे स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली एड्स आते हो। तो चलेगा वो ट्रिक, वो मेथड आपको बताते हैं फुल कंप्लीटली चार ट्रिक के साथ। तो चलेगा चलते अपनी ट्रिक और मेथड के ऊपर और आपको एड्स ऑफ करना सिखा देते आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मेरे भाई। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, दोस्तों आपको मेरे अच्छी लगती है और फाइनली मेरी ट्रिक्स, अगर आपके ये एड्स आते हैं आपके मोबाइल फोन के ऊपर, यानी कि जो आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आ जाते हैं, अगर ये ऑफ हो जाते हैं तो मेक श्योर कर लेना। आप लोग न्यू होना चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि 2023 की सबसे बेस्ट ट्रिक आप लोगों को मैं बता रहा हूं। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के ऊपर एड्स को ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सामने भी ये ऑटोमेटिकली एड्स चलते रहते हैं और आपकी स्क्रीन पे ऐड आते रहते हैं और एप्लीकेशन के अंदर एड्स आते रहते हैं, कहीं पे भी एड्स आते रहते हैं, जहां पे भी आप जाते हो, गैलरी के अंदर जाते हो, कॉन्टेक्ट पे जाते हो या कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, गेम्स यूज करते हो, तो आपको ये एड्स देखने को मिलते हैं ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे एड्स शो हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एड्स आपको बिल्कुल फुल स्टॉप कैसे करने, बंद कैसे करने हैं। तो चलिए अपनी ट्रिक की तरफ चलते हैं और फोन स्क्रीन के आपको फुल प्रोसेसिंग के साथ बताते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई देखो, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो वीडियो के अंदर मैं 3 से 4 ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, तो सभी के सभी आपको फॉलो करनी है, कोई ना कोई ट्रिक आपके मोबाइल फोन के ऊपर वर्क कर जाएगी, अगर ट्रिक वर्क नहीं करती है तो आप चारों ट्रिक अप्लाई कर लेना सभी की सभी, ठीक है। छोटी छोटी सी ट्रिक है, तो सबसे पहले आपको जो अपनी फोन सेटिंग के अंदर जाना है, फोन सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों फोन सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गूगल का, ठीक है, गूगल अकाउंट का मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह जो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आपने ये सेटिंग पहले भी लाइक होगी, बट दोस्तों जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा इस तरह से करना कभी भी आपके एड्स नहीं आएंगे। और न्यू 3-4 सेटिंग में आपको और बताने वाला हूं जो कि अभी तक 2023 में किसी भी ने आपको नहीं बताया जो पूरे YouTube पे, तो वीडियो को देखते रहो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो कंप्लीट कभी भी एड्स आपके नहीं आते, मैं गारंटी दूंगा, ठीक है। एड्स पे आपको यहां पे क्लिक करना है, बहुत सेटिंग आपके सामने आएगी, तो यहां पे देखो डिलीट एडवर्टाइजमेंट आईडी आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और डिलीट एडवर्टाइज आईडी पे आपको क्लिक कर देना है, यानी कि जो एड्स आपके आते हैं उनको ये डिलीट करने के लिए एक आपको एडवर्टाइजमेंट आईडी मिलती है, वो आपके यहाँ पे डिलीट हो जाएगी, इस पे क्लिक करना है और आपकी जो आईडी है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी आपकी एड्स से रिलेटेड, आपको एड्स नहीं शो होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरी सेटिंग जो एकदम से आपको अप्लाई करनी है, यहीं पे आपको सेटिंग में यहाँ पे मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक कर देना है, मैनेज योर अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डेटा एंड प्राइवेसी पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, माय एक्टिविटी और माय मैप्स, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, बट आपको यहाँ पे कहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माय एड सेंटर, ठीक है, यानी कि आपके जो एड चल रहे हैं ना ऑटोमेटिकली जो आपके स्क्रीन पे एड आ रहे हैं वो आपका एड सेंटर यहाँ से ऑफ होगा, ठीक है, यानी कि उसका जो भाई होता है कि खजाना जहाँ से आपको एड से एड आ रहे हो तो वो यहीं से ऑफ होंगे, यहीं से आपको एड्स मिलते रहते हैं बार बार, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखो आपका जो गूगल अकाउंट होगा, जो आप जीमेल अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑन ऑफ ऑप्शन देखने को मिलेगा, सो यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखो आपको इसको मिलेगा टर्न ऑफ, ठीक है, इसको ऑफ आपको कर देना है, इससे जितने भी आपके एड्स चल रहे हैं वो सभी के सभी यहाँ पर ऑफ हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। सो यहाँ पे टर्न ऑफ एड पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद गो इट पे क्लिक कर देना है, गो इट पे क्लिक करने के बाद आपके जो एड्स है टर्न ऑफ यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि जो आपके एड्स आते हैं जहां से आते हैं जहां पे आपको शो कराते हैं वहीं से आपकी जो जड़ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी मेरे भाई, यहां से आपको बैक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरी सेटिंग आपको क्या अप्लाई करनी है, तो तीसरी सेटिंग में आपको कुछ नहीं करना, अपने गूगल क्रोम को आपको ओपन करना है, ठीक है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग वाली टैब पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चले जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो ईमेल अकाउंट है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा,
सो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे साइड सेटिंग का, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लॉक ऑन सम साइड एड्स, ठीक है, ये देखो आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है एड्स पे और यहाँ पे इस तरह से आपको ये ऑन हो रखा होगा, इसको आपको जो ऑफ कर लेना है, ठीक है, यानी कि आप इसको ऑन कर लेना है भाई, आपको जैसे आप इसको ऑन करोगे ना जितने भी सारे एड्स होंगे आपके जो ब्लॉक हो जाएंगे सभी के सभी मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है अपने क्रोम ब्राउजर की सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का, अगर आपकी जो नोटिफिकेशन है वो ऑन हो रखी है ना तो आपको भाई यहाँ पे गंदे बहुत ही ज्यादा बेकार मैसेज आपको शो होंगे आपके पॉपअप पे आपकी स्क्रीन पे, सो आपको जो बिल्कुल इसको ऑफ रखना है भाई, आपकी जो नोटिफिकेशन है क्रोम ब्राउजर की उसको ऑफ कर देना है, कोई भी गंदे मैसेज आपको शो नहीं होंगे जो भी एडल्ट कंटेंट से रिलेटेड है, ठीक है मेरे भाई। तो ये तीन सेटिंग आपको अप्लाई करनी है। अब मैं आपको फाइनल बताऊंगा जिससे आपका परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा, कभी भी आपके स्क्रीन पे एड शो नहीं होने वाले हैं, तो परमानेंट सोल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं जो कि अभी तक आपको पूरी यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं बताया होगा मेरे भाई। तो परमानेंट सोल्यूशन लेने के लिए आपको सिंपल सा मेरी वेबसाइट पे आना है, वहां पे आपको मैं एक छोटा सा टेक्स्ट फाइल प्रोवाइड करूंगा जो कि आपका एड ब्लॉकर होगा, ठीक है, एड ब्लॉकर आईडी होगी जिसको लगाने के बाद आपकी स्क्रीन पे कोई भी एड शो नहीं होगा उस एड ब्लॉकर आईडी को डालने के बाद, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सर्च कर देना है सुहेल वाइटर, जैसे आप सर्च करोगे सो यहाँ पे देखो आपको जो मेरी वेबसाइट देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे सिंपल सा जो आपको मेरी वेबसाइट के अंदर चले जाना है, ठीक है मेरे भाई। तो www.suhelwaiter.in करके जो आपको मेरा वेबसाइट मिलेगा, सो सिंपल सा आपको जो मेरी वेबसाइट के अंदर चले जाना है, वेबसाइट के अंदर जाने के बाद यहाँ से आपको अपनी आईडी जो आपको कहाँ से लेनी है वो एड ब्लॉक करगी, सो उसको लेने के लिए आपको टैप आउट कर देना है यहाँ पे सिंपल सा मेरे लोगो के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपनी जो आईडी जो आपको ब्लॉक कराने वाला हूँ उसको आपको कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा पोस्ट का देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको मिलेगा, सो सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ड्रीम 11 सर्च करना है मेरे भाई। जैसे आप लोग यहाँ पे ड्रीम 11 लिख के सर्च करोगे ना तो आपके सामने, जैसे आप ड्रीम 11 लिख के सर्च करोगे मेरी वेबसाइट पे ये वाला पोस्ट आपके सामने आएगा, तो यहीं पे मैंने एड ब्लॉकर से रिलेटेड आपको एक टैक्स कोड प्रोवाइड किया हुआ है, सो उस टैक्स कोड को आपको कॉपी कर लेना है, देख सकते हो ये वाला टैक्स कोड आपको मिलेगा जिससे आपके एड ब्लॉक हो जाएंगे, आपको कोई भी एड शो नहीं होंगे, तो इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है टैक्स कोड को। कॉपी करने के बाद देखो रेड पट्टी में आपको मिलेगा ये, इसको अपनी फोन सेटिंग पे आपको चले जाना है लेके, और आप बहुत से बंदे मेरे को पता है बकचोदी भी करने वाले कमेंट में बोलेंगे कि इससे हमारा फोन हैक हो जाएगा वो हो जाएगा, जिनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो वो अप्लाई कर सकते हो, जिनको नहीं है वो वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। सो यहाँ पे एड्स आपको कैसे ब्लॉक करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर परमानेंटली, ठीक है मेरे भाई। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी मोबाइल फोन के ऊपर सर्च करनी है DNS सेटिंग, यहाँ पे प्राइवेट DNS, ठीक है, DNS लिख के आपको सर्च कर देना है अपनी सेटिंग के अंदर और इस कोड को यहाँ पे आपको पेस्ट करके सेव कर देना है, जैसे आप सर्च करोगे आपके जो एड्स है वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएंगे, कोई भी एड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली एड नहीं आएंगे, ये परमानेंट सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो चलेगी तो मेक श्योर लेना, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे आपको प्रेस कर लेना है मेरे भाई। यहां पे तरह से मेरे भाई आपको अपने मोबाइल एड्स को ऑफ करना है, मैंने आपको वीडियो के अंदर चार ट्रिक बताई, अगर आप इन चार ट्रिक को अप्लाई करोगे ना तो आपकी 100-100% जो एड्स है वो ऑफ हो जाएंगी। और लास्ट वाली जो ट्रिक मैंने आपको बताई है एड्स स्टॉप से रिलेटेड, मेरी वेबसाइट पे आपको कोड मिलेगा एक छोटा सा, उस कोड को अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में पेस्ट करना है DNS में जाके, और आपके जो एड्स है ऑटोमेटिकली जो आते हैं आपकी स्क्रीन पे वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम कभी भी एड्स नहीं आएंगे आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो चलेगा इसी चार ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, लास्ट की ट्रिक जो परमानेंट मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, तो चलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय मेरे दोस्तों यहां पे।